रुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम वेज पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें थोड़े से बारीक कटा हुआ पालक डालें, एक बारीक कटा हुआ आलू डालें, थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा प्याज डालें, एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें, थोड़े से बारीक कटा हुआ फूलगोभी डालें, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालें, थोड़े से बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालें, एक कटोरी बेसन डालें, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालें, एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालें, आधा चम्मच हल्दी डालें, एक चम्मच गरम मसाला डालें, यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। इसे डालने से पकोड़े जो है हमारे क्रिस्पी बनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें। बेसन को सब्जी के साथ अच्छे से मिला दें। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हल्की हल्की बारिश हो तब आप इन पकोड़ों को बनाएं, चाय या हरी चटनी के साथ खाएं और बारिश का मजा लें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गरम तेल में पकोड़ों को डाल देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर इनको हम गोल्डन फ्राई होने देंगे। ये एक तरफ अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको पलट देंगे। पलट कर हम इसको और थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे गर्मा गर्म वेज पकोड़े बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें। इसे आप हरी चटनी के साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।